खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आए, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मास्टर स्ट्रोक में अब अगली खबर की तरफ बढ़ें, उससे पहले आपसे विनती है, प्लीज ख्याल रखिएगा, एक एक शख्स आज की तारीख में महत्वपूर्ण है इस लड़ाई में। अब चलिए एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज अपने साथ एक पूरी कहानी में नया मोड़ लेकर आया है। सीसीटीवी फुटेज में मनसुख हिरेन एक वॉल्वो गाड़ी में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और जानकारी के मुताबिक गाड़ी सचिन वजे चला रहा था। सीसीटीवी तस्वीरें 17 फरवरी यानी विस्फोटक रखने के ठीक 8 दिन पहले की बताई जा रही है। अब एनआईए साजिश की कड़ियां आपस में जोड़ रही है और अब इस कड़ी में मुंबई के होटल ट्राइडेंट का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में लैंड क्रूजर कार दिखाई दे रही है, आपको दिख रही होगी। तस्वीरें 20 फरवरी की है जब सचिन वजे होटल ट्राइडेंट के गेट से कार में बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल होटल ट्राइडेंट से ही मिली दूसरी तस्वीर को लेकर उठा है। यह तस्वीर 16 फरवरी की तस्वीर है। टीवी स्क्रीन पर आपको एक्सरे इमेज दिखाई दे रही होगा इस वक्त। अब सचिन वजे ने होटल ट्राइडेंट में चेक इन किया था, ये तब का है, तब उसके पास 5 बैग थे। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद एनआईए को ये शक है कि बैग पैसों से भरा हुआ था, मतलब ये कि स्कैनिंग मशीन की इस तस्वीर में ये जो काले रंग के छोटे छोटे हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, ये नोटों की गड्डियां हो सकती हैं। अब देखिए आगे की कहानी। तारीख 17 फरवरी, वक्त रात 8:25, 16 सेकंड। मुंबई में सीएसटी के पास सड़क पर एक वॉल्वो गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकती है। रेड लाइट होने के बाद सामान्य रफ्तार से ट्रैफिक गुजरने लगता है, लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन यह गाड़ी सड़क पर गुजर रहे लोगों के बीच किसी एक का इंतजार कर रही थी। ग्रीन सिग्नल होने से पहले इस गाड़ी में किसी को बैठना था। 41 सेकंड गुजर जाते हैं, सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वॉल्वो गाड़ी के पास खड़ी गाड़ियां आगे बढ़ने लगती हैं। और तभी पीली शर्ट पहने मनसुख हिरेन तस्वीरों में दिखाई देता है। नीली वॉल्वो मनसुख हिरेन का इंतजार कर रही थी। पहले ट्रक गुजरता है और ट्रक जाने के बाद मनसुख हिरेन गाड़ी का गेट खोलकर आराम से बैठ जाता है। मनसुख हिरेन के सवार होते ही गाड़ी वहां से निकल जाती है। चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि गाड़ी कोई और नहीं बल्कि एंटीलिया विस्फोटक मामले में आरोपी सचिन वाजे चला रहा था। ये तस्वीरें 17 फरवरी की ही है और विस्फोटक मामले की ये कहानी भी 17 फरवरी से ही शुरू हुई है। 17 तारीख को मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मनसुख ने अपनी मिलिट्री ग्रीन वाली स्कॉर्पियो कार को हाईवे के किनारे छोड़ दिया था और वो अपनी चाबी, कार की चाबी लेकर, स्कॉर्पियो की लेकर ओला गाड़ी से मुंबई, दक्षिण मुंबई पहुंचे थे सीएसटी इलाके में। सीएसटी इलाके में वहां पर इनकी मीटिंग होनी थी शिवाला होटल के नजदीक। और ये जो आप फुटेज देख रही है ये उसी बात की पुष्टि करता है कि ये सीसीटीवी इसमें कैद हुआ है कि आखिरकार वो किससे मिलने आया था, यानी वो जो स्कॉर्पियो कार थी उसकी चाबी देने के लिए वो सचिन वजे के पास पहुंचा था। ये जो गाड़ी है जिस गाड़ी में हम दिखा रहे हैं कि सचिन मनसुख हिरेन जाकर आगे की सीट पर बैठ रहा है, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सचिन वजे की है। एनआईए के पास इसके पहले के और इसके बाद के सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और यहां तक ये भी फुटेज से एनआईए के पास है कि सचिन वजे ये ब्लू कलर की वॉल्वो कार लेकर निकल रहा है। इन्हीं सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर एनआईए वॉल्वो ढूंढ रही थी जो 23 मार्च को दमन से मिली। तस्वीरें इस बात का सबूत है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे और ठाणे का व्यापारी मनसुख हिरेन एक दूसरे को पहले से जानते थे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन और सचिन वाजे की मुलाकात हुई किस लिए थी वो भी जान लीजिए।
मनसुख हिरन और सचिन वाजी ये पुराने करीबी दोस्त जान पहचान वाले थे। ये तो उनकी पत्नी ने भी कह दिया था कि स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल 3 महीने तक तो खुद सचिन वाजी कर रहे थे। उन्होंने बाद में फरवरी के शुरुआत में आकर वो गाड़ी वापस लौटाई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, और वही गाड़ी की चाबी 17 तारीख को मनसुख हिरन सचिन वाजी को देने के लिए दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में आने वाले थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने जो ओला ड्राइवर था उसे कहा कि अपना लोकेशन बदलकर शिवाला होटल चलिए, थोड़ी दूरी पर है क्रॉफर्ड मार्केट से सीएसटी रेलवे स्टेशन, वहां पर जाकर एक सिग्नल पर ये खड़े रहते हैं और वहां पर सचिन वाजे की ये ब्लू वॉल्वो गाड़ी आती है और ये आगे की सीट पर कंफर्टेबली जाकर बैठ जाते हैं। और इन्होंने सचिन वाजे ने खुद ये कबूली दी है कि उन्होंने मनसुख से चाबी ली थी। 25 फरवरी को एंटीलिया के सामने विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो रखी गई और 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके की खाड़ी में मिला। मनसुख के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। शुरू में पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा हत्या की साजिश वाली थ्योरी सामने आने लगी। जांच में पता चला कि मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया था। इसके बाद मनसुख के मुंह पर रुमाल बांधा गया। हाई टाइट के समय शव फेंका गया इस उम्मीद में कि शव पानी के साथ बह जाएगा। मनसुख की हत्या की साजिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नाम है पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे का। सचिन वाजे के इस पूरे मामले में विनायक शिंदे की एंट्री भी बेहद दिलचस्प है। विनायक शिंदे 2007 के लखन भैया एनकाउंटर में सजा काट रहा था, वो फर्जी एनकाउंटर जिसने विनायक की वर्दी छीन ली थी। विनायक परोल पर बाहर आया था और उसी वक्त वाजे ने विनायक का इस्तेमाल किया। विनायक सचिन वाजे के एनकाउंटर गैंग का हिस्सा रहा है। आरोप है कि विनायक शिंदे ने मनसुख को मारकर खाड़ी में फेंका है। एटीएस सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि विनायक शिंदे घटनास्थल पर मौजूद था। उसने ये बात भी कबूल की है कि मनसुख हिरन को तावड़े बनकर फोन पर बुलाने वाला शख्स भी वही था। उसने घोड़बंदर रोड पर मनसुख हिरन को बुलाया था, जिसके बाद दम घोटकर मनसुख हिरन को बेहोश किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। एटीएस को ऐसा शक है कि हत्या किए जाते वक्त मौके पर सचिन वाजे भी मौजूद था। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो थम गया, क्योंकि 27 मार्च यानी परसों पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर मतदान होने वाला है। पहले चरण में अलग अलग पार्टियों के कुल 191 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर ममता की तृणमूल कांग्रेस पर है। मालूम नहीं है आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है, तेरे खेला होने से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा था, क्योंकि ममता के गढ़ में सेंध लगानी है। ममता का गढ़ इसलिए क्योंकि पहले चरण में पश्चिम बंगाल की जिन 30 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उनमें से 27 सीटों पर पिछले चुनाव में टीएमसी ने कब्जा किया था। नरेंद्र मोदी एकदम ढोंग करे देखते है लो प्लेने करे। बीजेपी के सामने ममता की जीती हुई सीटों को छीनने की चुनौती है, तो ममता के सामने अपनी जीत को बरकरार रखने का चैलेंज। लोई 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 चाय, लोई कोरे पास चाय। और मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं है, बल्कि बीजेपी और टीएमसी की इस राजनीतिक लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटा लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन भी पीछे नहीं है। शनिवार को पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान होगा। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा। इन 5 जिलों में बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6, पूर्वी मेदिनीपुर की 7 और पुरुलिया की 9 सीटें शामिल हैं। पुरुलिया की 9 में से 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली थी। बीजेपी के लिए 2019 की बढ़त को बनाए रखने की चुनौती है। पहले चरण का चुनाव टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दरअसल 2016 में पश्चिम बंगाल की इन 30 सीटों पर 85.45% मतदान हुआ था। पहले चरण का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 8 चरणों में होने वाले बंगाल चुनाव की दिशा इससे समझ में आने लगेगी। पहले दौर से ही साफ हो जाएगा कि बंगाल को बीजेपी का सोनार बांग्ला वाला नारा पसंद आया या फिर बंगाल ने ममता के खेला होबे को सिर पर चढ़ाया। आपने खेला खेला क्या हो गया? सोनार बंगला का
फिर से निर्माण करना है। क्षमा होवे। 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। बीजेपी और टीएमसी के ये दोनों ही चुनावी नारे प्रचार में इस बार खूब छाए रहे। पहले दौर की वोटिंग वाली 30 सीटों पर पार्टी और नेताओं ने अपनी बात रख दी है और अब बारी वोटरों की है और वोटर तय करेंगे कि उन्हें किसके नारे में दम दिख रहा है। रिपोर्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को उसके अंजाम तक पहुंचाने में आप जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे अहम किरदार था और इसलिए बांग्लादेश के 50वें विजय पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान के तौर पर जा रहे हैं बांग्लादेश। इसके बाद शुरू होगा बांग्लादेश की आजादी का जश्न, जिसमें बांग्लादेश के उन लोगों को भी याद किया जाएगा जो पाकिस्तान की सेना के नरसंहार का शिकार हुए थे। मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में बांग्लादेश में जश्न की तैयारी के साथ साथ आपको सुनाएंगे 1971 में पाकिस्तान की सेना के जुल्म की आंखों देखी। बंग बंधु के पोस्टर से सजा है ढाका। बांग्लादेश में विजय पर्व की धूम पूरी हो गई है। जश्न की तैयारी। बांग्लादेश अपनी आजादी के संघर्ष की 50वीं सालगिरह और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती मना रहा है। इस जश्न में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो शुक्रवार यानी 26 मार्च को ढाका पहुंचेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए राजधानी ढाका तो तैयार है ही, बांग्लादेश के हर उन इलाकों में पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है जहां वो पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे ढाका पहुंचेंगे। वहां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनका स्वागत करेंगी। यहां से वो सीधे मिलिट्री मेमोरियल जाएंगे और फिर बांग्लादेश नेशनल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। इसी ग्राउंड में मुख्य समारोह होगा। इसके बाद पीएम मोदी महात्मा गांधी बंग बंधु की याद में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही लें। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।